इनका तो पता है ना, तुझे कौन है अम्मा जी? ये किंजा अब मेरी बारी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। और अंकल YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और फिट फाट होंगे। मैं हूं डॉक्टर कंजा, हमेशा की तरह आप लोगों के साथ। और पहले जब मैं रिकॉर्ड करने लगी थी तो पंखा चल रहा था और मुझे एक मेरे सीनियर ने ही मुझे सिखाया है कि दैट पंखा बंद कर देना है। पूछा मैंने कुछ? When you are just like recording। तो अभी माशाल्लाह से जो है मैं लेट तो काफी ज्यादा हो गई हूँ, क्योंकि मुझे 9 बजे का टाइम दिया था, क्योंकि बिकॉज फाइनली द डे हैज कम जिस दिन हमारा शूट है रजब और हैदर के साथ। तो अभी जो है बस मेरी गाड़ी आ रही है, ऑन वे है, और जो थी मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो गई थी। थोड़ी थोड़ी जो एक दो चीज़ें मैंने लेनी थी साथ वो ले ली हैं, और अब हम बस निकलेंगे थोड़ी देर में और देखते हैं कि वहाँ जाके क्या सीन होता है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा सीन जाएगा। और लेट्स सी कि मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ, और आज टिड्डा टिड्डा सा आज चुनना था ना, एक पिंपल भी निकल आया है, मतलब कभी नहीं निकला फेस पे, और अब जब मैं सुबह उठी हूँ तो ये पेनफुल इधर निकल आया है। ये जो भाई साहब है ना, इधर निकले पड़े हैं, पता नहीं अब नजर आएंगे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लेकिन अभी है बहुत छोटा। अल्लाह करे यहीं पर ये खत्म हो जाए बिल्कुल, लेकिन आज शूट वाले दिन ये निकल आया है। ओके, कोई नहीं, इट्स ओके, कर लेंगे मैनेज उस चीज़ को। मेकअप हर चीज़ को कवर कर देती है, बट मुझे थोड़ा सा होता है कि यार नहीं, बिल्कुल क्लियर स्किन होनी चाहिए। तो अभी सीन है कि गाड़ी अभी तक नहीं आई और बाहर स्मोक काफ़ी हो गया, जिसकी वजह से मेरा थ्रॉट बहुत ज़्यादा इरीटेट कर रहा है, और रात में मेरा थोड़ा गला सोर हो रहा था। तो आई जस्ट टुक, और हाँ, अगर किसी का भी गला इस तरह से ख़राब है ना, एक तो जो है ना, नहीं, आई के नॉट टेक द ब्रांड नेम। तो बस अपना ख्याल करें, ठंडी खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ऑब्वियसली, तो गला ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जो लोग मेरा इंस्टाग्राम पूछ रहे थे, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर कंजा असगर इज़ माई इंस्टाग्राम, आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है? एंड डू फॉलो मी, एंड चलते हैं, साथ चले मेरे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें। तो जी, हम आ गए अब ज़हरा के स्टूडियो पे, ठीक है? थोड़ी सी लेट हो गई हूँ मैं, थोड़ी सी, ठीक, चल झूठा, लाइक एक दो घंटा लेट हो गई, 9 बजे बोला था, अभी ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं। लेकिन जो है हमारी एक मॉडल महानूर, उसका इस टाइम इन प्रोसेस मेकअप हो रहा है, देख के डरना नहीं आपने। नहीं, लेकिन एंड प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा निकलेगा माशाल्लाह से। और ज़हरा फुल टाइम जो है वो लगी हुई है, जस्ट चेक दिस आउट, और ब्लैक इनकी ड्रेसिंग हो रही है, और अभी जो है मेरा वो, ओ माय गॉड, ये मैंने अब देखा है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी हफड़ा दफड़ी में है ना, तो ये मेरा ड्रेस है, पूरा चेंज हो गया था, क्योंकि वो जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो मिला नहीं, अवेलेबल नहीं था। तो अभी मैं इसको पहले जल्दी से पहन लूँ, क्योंकि उसके बाद से मेरे मेकअप स्टार्ट हो जाएगा, और ये बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा कुछ करते हैं ना उतनी देर तक, तो आती हूँ मैं चेंज करके। तो हेयर आई एम, तो ओके जी, अब मैंने ये ड्रेस पूरा पहन लिया है, और मुझे ही पता है कितनी अजियत से मैंने ये ड्रेस पहना है, लेकिन मेरी ड्रेस जो है पहनने में मदद करवाई है हमारी बहन, क्या नाम है आपका? आपको ले आऊँ मैं हिना को? हिना ने, इन्होंने जो है ये मेरा इतना हैवी ड्रेस पहनने में मदद कर, फंस गया था, लग रहा था सांस बंद हो गया, ऊपर से जो मेरी रूह है ना छू गया, अल्लाह ताला वापस आई। लेकिन द ड्रेस इज लुकिंग सो नाइस, इट्स सो प्रिटी, और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी हो गई है। एंड पता है द बेस्ट पार्ट इज, केदार में नीचे जॉगर्स पहने, देयर इज कम्फर्टेबल शूज विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ, और हर दुल्हन को नीचे जॉगर्स ही पहनने चाहिए, और मैं भी अपनी शादी में जॉगर्स ही पहनूंगी, ठीक है ना? तो अब ये ज़हरा को हम दिखाते हैं, मेकअप हो रहा है इस टाइम महानूर का बिल्कुल। और ज़हरा कब तक महानूर रेडी हो जाएगी? महानूर को बस 20 मिनट्स लगने मैक्सिमम, 20 मिनट्स स्टार्ट हो जाएगा, अभी आप बैठे हैं, परफेक्ट। तो अब जो है मैं बैठती हूँ ताकि मेरा मेकअप स्टार्ट हो, और जो है ज़रा मेरा कम्प्लीट एक लुक तो लेते हैं, कंप्लीट एक लुक लेके आपको दिखा दे, बिफोर आफ्टर ब्लॉग में भी हो जाएगा एक, और मेरा ड्रेस भी दिख जाएगा बहुत प्यारा, जो कि मैं खुद तो नहीं दिखा सकूंगी। अस्सलाम वालेकुम, शर्मा गई, देखिए दुल्हन को शर्माना चाहिए लेकिन लोग दुल्हन को देख के शर्मा रहे हैं। दिस इज माई आउटफिट, लेकिन मैं एक दफा ना, मेरे अंदर ना बहुत वो आ रही है मेरे अंदर की मैं घूमू,
एक दफा ना ऐसे करके ये चीज एक दफा मैं घूम के ना मतलब लाइक फुल ड्रेस दिखाऊं बिफोर एंड आफ्टर ऑब्वियसली, और फिर प्यार भर सीरीज भी बनाई दूं। ओके जी, दिस इज माय गाइस, दिस इज माय फुल ड्रेस, ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा। एक मैं इसको हाउ प्रिटी इट इज, और ये काफी हैवी ऐसा लग रहा है मेरे कंधों पे इस टाइम, काफी गुनाहों का बोझ कुंतला लगने लग जाऊंगी मैं अगर काजल लग गया तो मुझे। ये जी फर्स्ट इनिशिएशन हो चुकी है, अब डरिए नहीं आप, साथ रहिए हमारे, ठीक है जी। आई बेस लग रही है ये, उसके ऊपर पाउडरिंग हो रही है, एंड आई एम अ पर्सन जिसमें ना डार्क मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आंखों पे तो बिल्कुल भी, तो ये सीन है। आराम आराम से साथ लेकर चलते हैं, एंड प्रोडक्ट खूबसूरत ही मिलेगा। चल झूठा कोई इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लिया आपने, साथ रहे। अभी जो है सिर्फ मेरा अब आई मेकअप हुआ हल्का हल्का सा, तो माजरा सा थोड़ा सा ऑफ लग रही होंगी मैं, तो मैं आपको ये दिखाना चाहती थी। ये मैं अभी फिलहाल नाश्ता कर रही हूँ यहाँ पे, एवरीवन इज़ वर्किंग अराउंड, और महनूर का अभी एंडिंग ही चल रही है, एंड मैंने ये दिखाना था कि दैट लुक एट द फाउंडेशंस, के हर तरह की ज़ारा के पास फाउंडेशंस है, मैक की भी, नॉर्स की भी, काशीज़ की भी, ठीक है, एंड कीको, मतलब काफ़ी अच्छी फाउंडेशंस जो कि मतलब ब्रांड की फाउंडेशंस है, शी इज़ दैट। तो ऑब्वियसली अगर आप प्रोडक्ट अच्छा यूज़ करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली द ब्राइड इज़ गोइंग टू लुक प्रीटियर ना, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो अब देखेंगे मेरा एंड में लुक क्या आता है, और मेरा जो लुक है वो अभी बिल्कुल डार्क नहीं है, इट्स गोइंग टू बी नेचुरल पिंकी ग्लोई सा लुक होगा। आपने देख के डरना नहीं फिलहाल बिल्कुल भी, क्योंकि ये अभी सारा अंडर प्रोसेस हो रहा है, और मतलब आपको पता है लेपअप होती होती है या एंड में जाके ब्राइड बनती है, ठीक है, एंड में ऐसे नहीं वो सीन लगती, बड़ी मेहनत होती है भाई, पहले इतना हैवी ड्रेस, ठीक है, काफ़ी मन का, उसके बाद फिर ये सारा, ये कष्ट है, ये कष्ट है, ये पहली दफ़ा लगवाई है मैंने, ये मुझे अपने घर जाना है, ठीक है, मुझे ये था। और ज़ारा इस टाइम फुल पैशनेट हो गए, फुल लगी हुई है, मतलब ऑब्वियसली बाहर टाइम जा रहा है, टाइम आपको बताया तो है मैंने कि बीची वेव्स करने हैं, तो अब जी मेरे बाल हो रहे हैं कर्ल, और अभी सॉन्ग जल्दी से थोड़ा बहुत का कुछ नहीं होता। तो जी अपन हम ये साइम इज डूइंग माय कर्ल्स राइट नाउ, और आई एम एक्चुअली लाइकिंग द कर्ल्स, मेकअप हो गया ओवरऑल, और ये अगर सॉन्ग बंद हो जाए तो व्लॉग हमारा अच्छा रिकॉर्ड हो जाएगा, वरना फिर पीछे कॉपीराइट आ जाएगा। तो हियर वी आर विद ज़ारा, एंड मेकअप इज डन ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या मेकअप डन हो चुका है मेरा, एंड अभी कर्ल्स हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था मेरे ऊपर ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी विद द ब्लोडर कर्ल्स, एंड आई रियली लाइक द लुक, एंड दिस इज़ माय फोल्ड ड्रेस। सो या अब बस सिर्फ और सिर्फ रजब का इंतजार है, पता नहीं कब तक आएगा वो, एंड अगर लेट हुए तो सिर्फ उसकी वजह से होंगे, और कोई 5 बजे फोटोग्राफर नहीं जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि उसने अपना आगे मार्जिन रखा हुआ है लोकेशन तक, और कोई इतना जल्दी दूल्हा दुल्हन नहीं आता है अगले लोकेशन के ऊपर कि वो 5 बजे आके अपनी वो फोटोशूट स्टार्ट करवा देंगे। तो अभी देखिएगा आप, रजब खुद 1 घंटा लेट है। अब जी मैं रेडी हो गई हूँ, जैसे आप देख रहे हैं मैं खड़ी होके आपको दिखा देती हूँ, बट इट्स सो हैवी, बहुत ज़्यादा ना तकलीफ आ रहा है मुझे। तो अब जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि हम रजब और हैदर का इंतज़ार कर रहे हैं, और रजब और हैदर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके रजब? आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक, फिट फाट, आप सुनाए अपना। थोड़ा कैमरा घुमाने में मुश्किल होगी क्योंकि काफी हैवी है, काफी हैवी है, कंधों पे सारा मेरे गुनाहों का बोझ जी। अपनी ये डेंटिंग बेंडिंग तो करवा के आए हैं, जैसे ये भी, और सिर्फ हेयर स्टाइलिस्ट, यही होता है, डेंटिंग बेंडिंग आपकी यही होता है, लड़कों का सिर्फ और सिर्फ यही होता है, यही हो जाए तो वो लगता है कि मुंह पे काफी हजार लगाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, फिट फाट। क्या आपकी फीलिंग्स हैं रिगार्डिंग द शूट? हाँ जी, ऑल गुड, ऑल गुड, थ्री हो रहे थे, कंसीलर शंसीलर कर रहा है, अंडर आई वगैरह होगा ना, तुम्हारे भी होगा,
तो बस अब हम थोड़ी देर तक निकलेंगे और जब निकलेंगे तो तब आपको साथ लेके चलेंगे। ओके जी, तो ये है हम चारों की फाइनल लुक। थैंक यू सो मच दादा, आप ही सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। वेलकम, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। ठीक है जी, निकले जी, चलें। गर्मी बहुत लग रही है, गर्मी बहुत लग रही है। अब आपने लेना तो ले लो छोड़। एंड हियर वी गो विद हैदर, सॉरी हैदर एंड रजब। और ये रजब, ये हैदर जो है मेरा दूल्हा, हेड जो है सामने आप रजब। थोड़ा सा और लंबे हो गए इधर आओ यार पागल, आगे आगे आ जाओ, आगे आगे। तो दिस इज आवर लुक, ठीक है, वाइट एंड ब्लू। सो होप सो यू लाइक इट, और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना है, जरूर बताना है। और इधर आ जाओ जरा आप और वो महनूर एंड रजब, ऑल इन ब्लैक। ठीक है, तो ये सीन हो गया ब्लैक में इनका, फिट वाला बहुत फिट लग रहा है माशाल्लाह से। चलो भैया आ जाओ चलें, अब हमें चलते, मेरे तो सांस चढ़ गया और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो होप सो आउटडोर शूट है तो थोड़ा अच्छा सीन हो जाएगा, लेकिन यहाँ इंडोर तो बड़ा ऑफ जा रहा है ना। तो जी अब हम बाहर आ गए हैं बड़ी मुश्किल से, और इतने बदतमीज़ हैं, मतलब इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया कि बंदा पीछे पूछ लेता किसी को कि कोई गिर गुर जाए इस घगरे में जो इतना हैवी लहंगा है। वो तो बहुत हल्का है, मेरे तो बहुत ही भारी, मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं इस टाइम, और अब मुझे नहीं पता कि गाड़ी में पूरे कैसे आना है, आई डोंट नो। हाँ भाई महनूर, पहले तुम घुसो जी, सामने तुम भाई, फिर उसके बाद जो है जारा को घुसाएंगे अंदर, फिर ये मुझे इधर उधर धक्का दे धक्का देगा तो फिर यार ये धक्का ही देना है लिटरली इसको, कितना कितना बदतमीज दूल्हा है मेरा, कितना धक्का ही दूंगा। चेक करो, आओ यार जल्दी करो। तो अब आप जैसे देख रहे हैं, तो अब आप जैसे देख रहे हैं कि हम एट लास्ट जो है तो अपने स्पॉट पे आ गए हैं, और इस टाइम ना मतलब लाइक आई एम कम्प्लीटली नॉर्मल, बट द थिंग इज दैट सिर्फ मेरे कंधे थक गए हैं बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत पेनफुल हो रहा है कंधे। बाकी सब ओके है सब कुछ, और आएगा सब, सब पहले रजब का और उनका हो रहा है शूट, एंड आफ्टर वर्ड्स फिर हमारा कसान हो रही है। आ जाता टाइम के साथ सब कुछ आ जाता, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अभी हैदर आ गया यहाँ पे, ठीक है, और अब हमारा होगा। और पता है क्या, जारा ने हमारा पोज बनवा के कैमरा उधर ले लिया यार, मतलब यार क्या, मतलब क्या मजाक है हमारे साथ, क्या मजाक कर रहे हो आप। ठीक है, अभी इसको चेक करें आप, इसने पोज हमारा बनवाया है यहाँ पे, हम अपने उसमें खड़े हैं जी, अब हमारी पिक्चर बनेगी। और ये अपनी वहाँ पे वो सीन सिस्टम करने लग गई, ये बहुत गलत बात है। वेरी वेरी बैड भाई, वेरी बैड। अच्छा कैंसा प्लीज। तो जी ब्लॉग जो बहुत अच्छा शूट निकल रहा है, कैसा निकल रहा है? बहुत मजे का, शी सो एक्साइटेड, सो एक्साइटेड, मतलब शूट काफ़ी अच्छा निकल गया, मतलब माशाल्लाह से ना। अभी हमारे शायद और भी हैं दो तीन सीक्वेंसेस, और रजब और महनूर का सामने हो रहा है, ये सीन चेक करें, और ये हैदर उसको कैप्चर कर रहा है, और जब आएगा तो आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है हु इज़ लुकिंग मोर गुड, दिस कपल और दैट कपल। तो ये जो है दूल्हा साहब अब झूले लेते हुए, अब ईजी हो गया ना, ईजी है, ईजी था ना, ईजी था ऐसे ही, बस थोड़ा सा वो ऑब्वियसली बात है पहला पहला था तो थोड़ा नर्वस हो रहा था, वो तो सभी होते हैं ऑब्वियसली बात है। जब मुझे भी याद है मैं भी अपने पहले उस पर गई थी, अच्छी खासी नर्वस थी, फिर ठीक हो गया, एक दफ़ा जब स्टार्ट हो जाए सब ठीक हो जाता है आपका। तो आप हमारे दूल्हा भाई जो हैं वो अपना जो है झूला ले रहे हैं ईजी, और मेरा ना ड्रेस एक्चुअली बहुत हैवी है तो मेरे कंधे बहुत दर्द है। अब कितने बज गए आएंगे सब जो है, 5 बज गए हैं और अब अंधेरा होने वाला है, एंड इसलिए उन्होंने लाइट्स वगैरह जला दी हैं। अब इसका हो रहा है सोलो शूट, अब इजी है अपना आराम से सोलो शूट कर रहे हैं अब, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो साथ में आपका कपल होता है वो आपको इजी कर देता है, इजी सीन है। तो पहले थोड़ा सा नर्वस हो रहा था बट मैंने उसको ओके कर दिया, अब आराम से अपना शूट करवा रहा है हैदर। तो बाकी बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि जो हैदर है उनको हमारा सलाम कर दें, तो सारे हैदर की जो है ना फैंस उन सब की तरफ से मैं सलाम कह रही हूँ हैदर को, आप वालेकुम अस्सलाम बोल दें, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, डन हो गया। तो बहुत से कमेंट्स में लोगों ने मुझे कहा था कि आप हैदर को कहेंगे हमें सलाम दे दे, तो उन्होंने आपको सलाम दे दिया। तो अब हमारा अभी थोड़ा सा और रहता है जो कि अब मैं करने लगी हूँ, और मैं थोड़ी देर बाद बैठ जाती हूँ क्योंकि मैं थक जाती हूँ,
और फिर मैं फिर से उठ जाती हूँ। लेकिन ऑब्वियसली शूट बहुत फिट आ रहा है, बहुत फिट आ रहा है। रील्स पहले वगैरह आ जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी, लेकिन जो शूट होगा प्रॉपर जो निकलेगा वो फिर हम लगाएंगे। अच्छा जी, तो अब हमारा जो है फोटोशूट ओवरऑल ख़त्म हो गया है, ठीक है, एट द एंड। और अभी पता नहीं 5:30 हो रहे हैं, 6 बज रहे हैं, हाँ कितने बज रहे, 5:30 हो गए, जल्दी ख़त्म हो गया। मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट जल्दी टाइम से ख़त्म हो गया। तो हेयर वी गो विद ज़हरा। आज का जितना भी स्टाइलिंग और मतलब मेकअप डू था वो ज़हरा स्टूडियोज़ की तरफ से था, और वो महनूर है हमारी, ये इनका पूरा लुक था। आपने तो वैसे मेरे पूरे ब्लॉग में देख भी लिया होगा, अब एंडिंग पे भी दिखा दूँ, क्योंकि उसके बाद अब हमने कपड़े चेंज करके अपने नॉर्मल कपड़ों में आ जाना है, अपनी असली औकात में आना है हमने, ठीक है। ये हमारी नहीं है, ये नहीं है ब्रो, लेकिन बहुत अच्छा शूट हुआ, आपने बहुत अच्छा कैरी किया। थैंक यू सो मच। शूट बाकी में बहुत अच्छा हुआ है, इससे पूछे जरा कैसा। बहुत एक्साइटेड, She's so excited. शूट बहुत अच्छा हुआ है माशाल्लाह से। जब आएगा तो आप जो है अभी हमने जो BTS वगैरह बनाए हैं, वो तो जो आप है Instagram वगैरह पे देख लेंगे, और YouTube पे भी ऑब्वियसली आई अपलोड। बाकी जो प्रॉपर फोटोज होंगी वो जो है हम जब आएंगी इंशाल्लाह तो तब हम अपने Instagram के ऊपर शो करेंगे। आप बताएं ये ड्रेस कहाँ से था? ये ड्रेस ब्राइडल वियर हाउस का था, और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। हाँ जी हैदर, ओवरऑल गुड हो गया आपका सीन? वेरी गुड हो गया, ठीक है। कोई अब नेक्स्ट शूट हो जाएगा इजीली, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। तो हैदर का फर्स्ट एक्सपीरियंस था माशाल्लाह से बहुत अच्छा, आराम से बिल्कुल फ्लो में हम लोगों ने कर लिया, टेंशन ही नहीं हुई बिल्कुल भी। तो अभी बस पैकअप वाला सीन है, मैं अपनी शर्ट लाना भूल के अगर ले आती तो मैं अभी चेंज कर लेती, बिकॉज मेरे कंधे जवाब दे चुके हैं, बिल्कुल जवाब दे चुके हैं, और रात को पैंडल खानी पड़ेगी। तो आप लोग अब गेस करें कि मैं हूँ कहाँ पे, आपको मैं देती हूँ 30 सेकंड, 30 सेकंड में गेस करें कि मैं कहाँ पे हूँ उस टाइम। 30 सेकंड इनको देख के साथ में चल देना ऑडियंस, पंखा बंद करो सर। अच्छा अगेन चीजें ने मुझे बोला था कि दैट पंखा आपने ऑफ करा है, पंखा मैंने वैसे ऑफ नहीं करवाया था। 1 2 3 ओके फाइन। आई एम एट रजब्स प्लेस। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक फिट फाट। कैसे गुजर रही है आपकी जिंदगी? ब्लॉग में तो आप बड़े बेहतरीन आते हैं, बिल्कुल प्योर सोल। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है हमारा जो मेन मैं कहूँगी इस घर का जो फर्द है हमारा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा एहसान मिले। कैसी तबीयत है बता? ओके ठीक है, फिर ठीक है। थैंक यू सो मच। बस अभी परी का जो है ना थकावट से मुंह उतर चुका है, वैसे मुझे अपने घर जाना है। थक गई है। और ये जो मेरे कंधे हैं ना, ऐसे लग रहा है ये मेरी जिंदगी का जो बोझ आ गया ना उस पे आ गया है, बहुत ज्यादा मेरे शोल्डर में बोझ है। ये से उठाएं, उठा के देखें। हाँ जी, कितने मन का लग रहा है आपको ये? ये कम से कम मुझे 30 किलो का होगा आई गेस। हाँ भाई है, इतने का ही होगा, इतने का ही है। और आप फिर से बताएं ऑडियंस को कैसा रहा शूट आपका? बहुत मजा आया ना इसको, एक्चुअली मजा आया। इसका फेस देखिए, उसका उसके ड्रेस के हिसाब से मेकअप क्या लग रहा है उसका, ये काले में जैसे पहले लगी। क्योंकि मुझे डार्क मेकअप पसंद नहीं, मैंने कुछ नहीं अच्छा नहीं लगता मेरे फेस के ऊपर ना, बट इसके फीचर्स वैसे है ना डार्क वाले, तो शी इज लुकिंग नाइस। इसका चेहरा मेकअप कर दो, मैं जीव चीख बन जाती हूं। इसका चेहरा मेकअप वाला है, मेरी खुद की मम्मा मेकअप को हाथ नहीं लगाती बिल्कुल, ऐसी सादा बिल्कुल ऐसी ही रहती है। मैं जना वाले शादी पे जब गई तो खाना उन्हें कहती सब अच्छा, उधर मुझे सारे प्यार करने वाले मिले, बड़े बच्चे मिले, उन्होंने मुझे लिपस्टिक लगा दी मेरे यार, मेरे खाना अपने बेटे की भी शादी पे करना है, पता तो चले बेटे की शादी है, वो भी ऐसे नहीं होती, अम्माएं सादा नहीं होती, फुल टाइम होती है ना, आपको मेकअप ज़हरा करेगी। गज़ल की सांस पहनने की उसको बहुत अच्छी लगती है ऐसी चीज ना, वो भी इसकी माँ ही है, आपको भी अच्छी लगेगी। डिसेंट रह के मम्मा का ख्याल करवा दी इंशाल्लाह, ऐसी अच्छी मेरे ने जबली को मेरे सारे बच्चों को ना मैं ऐसे ही अच्छी लगती हूँ, मुझे वाकई पसंद भी यही है। और सर जी आपका कैसा था शूट आज का?
ठीक हो गया, फिट हो गया, ये खुश हो तो आप दोनों का शूट बहुत अच्छा हुआ है। इन माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी माशाल्लाह दोनों, अल्लाह पाक आप लोगों के नसीब भी ऐसे प्यारे करे, आमीन। दोनों बहुत प्यारी लग रही हो, कंधे मेरे रह गए, और बेटियां वैसे भी प्यारी होती है, बिल्कुल ऐसी प्यारी लग रही हूं। आपकी गजल ठीक है? होप सो आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, आगे शेयर कर दे, मुझे और मेरी फैमिली को, रजब फैमिली को दुआओं में याद रखें, मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।